डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति ने शिमला के नाभा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों और हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कर्मचारियों सहित स्थानीय लोगों ने देवदार के सैकड़ों पौधे रोपित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा शिमला के नाभा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अधिकारी अजय शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे और सबसे पहले पौधा रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय शारीरिक प्रमुख संजीवन कुमार विशेष रूप से यहां मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों, वन विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने देवदार के 101 पौधे रोपित किए। वन अधिकारी अजय शर्मा ने कहा कि वन विभाग ने प्रदेश भर में पौधारोपण को एक अभियान के रूप में शुरू किया है। यही कारण है कि इस वर्ष प्रदेश भर में 25 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया था और विभाग ने इस लक्ष्य को पार कर करीब 27 लाख पौधे रोपे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को पौधारोपण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय शारीरिक प्रमुख संजीवन कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुंदरता देवदार के वृक्षों के कारण दोगुनी हो जाती है, इसीलिए यहां देवदार के पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वृक्ष प्रत्येक के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, इसीलिए वनों का संरक्षण बेहद जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वन विभाग जो है वन महोत्सव तो पहले से ही मनाता है, बरसात के दिनों में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाता रहा है। तो पिछले वर्ष से जो पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो एक पौधरोपण को एक अभियान के रूप से चलाया गया, तो पिछले साल 2018 में भी 12 जुलाई 13 जुलाई और 14 जुलाई तीन दिन में 15 लाख पौधे रोपने का हमने लक्ष्य रखा था लोगों के सहयोग से। तो उसमें हमने 17 लाख के करीब पौधे लगाए थे और 86,000 लोगों ने पूरे हिमाचल में हिस्सा लिया था। उसी में जो लोगों को इतना जोश और प्रोत्साहन देखते हुए इस साल जो उस अभियान को हमने जो और व्यापक रूप दिया इस साल और 5 दिन में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। तो स्टेट लेवल वन महोत्सव 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पनारसा से शुरू किया और 20 तारीख से 24 तारीख तक हमने 5 दिन का ये अभियान चलाया। जैसा मैंने बताया कि एक ओपन वेल्थ है फॉरेस्ट और 24 घंटे को इसकी निगरानी तो कर नहीं सकता, इसीलिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को जागरूक करें। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति पिछले ये तीसरा चरण है, 2 वर्ष पहले से ये काम हमने शुरू किया था। तो शिमला में भी हमारी 30 संस्थाएं हैं अपने विचार की, सब ने अपनी अपनी बाटिका लगाई थी। यहाँ नाभा में पहले भी 2 बाटिकाएँ लगाई हैं, उसके पौधे अच्छे निकले थे। हम चाहते हैं शिमला देवदार के कारण से सुंदर दिखता है, ये सुंदरता शिमला की बनी रहे और हिमाचल सरकार भी इस तरफ प्रयत्न कर रही है। लेकिन अपनी जो संस्था है डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने पर्यावरण को ही अपना एक विशेष कार्य माना है और पर्यावरण जितना समृद्ध होगा समाज उतना स्वस्थ भी होगा, सुखी भी होगा। पौधे जो हैं वो जल जमीन जंगल को समृद्ध करते हैं, सुरक्षित करते हैं। जहाँ वो हमें ऑक्सीजन देते हैं समाज की कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। जितना जितना जल्दी ये पर्यावरण समृद्ध होगा, सही होगा, समाज भी स्वस्थ और समृद्ध होगा, यही सोच लेकर के सभी काम कर रहे हैं।